नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के बारे में। जो कि मैं कल ही देख के आया हूँ, अभी भी रिलीज हुई है मूवी 11 नवंबर को। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो चैडविक बोसमन जिन्होंने ब्लैक पैंथर का रोल प्ले किया था आज तक मार्वल के जितने भी मूवीज थे उनमें, उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो गई है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये था कि ब्लैक पैंथर का रोल कौन करेगा, ये जो पार्ट आया है उसमें। तो वही एक सबसे बड़ा सस्पेंस था सबके लिए। और बात करें अगर मूवी के बारे में तो मार्वल ने बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। जो सबसे ज्यादा टूट के बिखरते हैं चैडविक बोसमन को पूरी मूवी में आप लोगों को पता चली जाएगा। तो ये बात मार्वल की बहुत अच्छी लगी मुझे कि भले ही उनका जो वो भी कैरेक्टर था उसकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रिब्यूट दिया। जो ट्रिब्यूट इस मूवी में मार्वल वालों ने चैडविक बोसमन को दिया है ना, सैल्यूट। तो बात करें अगर मूवी की तो ब्लैक पैंथर तो नहीं रहा, तो अब सवाल उठता है कि अब अगला ब्लैक पैंथर कोई बनेगा भी या नहीं। वो जो उनकी एक मैजिकल जड़ी बूटी रहती है जिससे ब्लैक पैंथर बनता है, मतलब उनका वो रीति रिवाज टाइप रहता है, तो जड़ी बूटी पहले पार्ट में ही किल मोंगर उसे जला देता है जब वो ब्लैक पैंथर बनता है। तो उसके बाद कोई ब्लैक पैंथर बन ही नहीं पाएगा जब तक वो जड़ी बूटी फिर से वो लोग पा नहीं लेते या बना नहीं लेते। तो वो क्या होता है क्या नहीं वो मूवी में आप लोग देख लेना। अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री रहता है वकांडा, तो सभी लोगों की नज़र उस पर पड़ती है कि अभी इनका किंग तो नहीं रहा, हम लोग इन पर टेक ओवर कर सकते हैं। उनका रखवाला नहीं रहा, यही मौका है उन पर वार करने का। वकांडा ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश रहता है जिसमें वाइब्रेनियम पाया जाता है। वाइब्रेनियम मतलब आप में से अगर कोई मार्वल फैन नहीं है तो बता दूँ, वाइब्रेनियम एक धातु रहता है जिससे उनके जो भी हथियार रहते हैं वो बनते हैं। और वाइब्रेनियम का कोई तोड़ ही नहीं है, मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ उसे ब्रेक नहीं कर सकती, इतना स्ट्रांग रहता है। वही चीज़ पाने के लिए बाकी कंट्रीज़ की आँख इन पर आ जाती है कि अभी भाई इनका किंग भी नहीं रहा तो अभी हम लोग इन पर टेक ओवर कर सकते हैं। और पूरी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री रहता है वकांडा, तो फिर उस हिसाब से सब लोग तो सोचेंगे कि अभी इन पर हम लोग दबाव डालेंगे। लेकिन जो कि ब्लैक पैंथर की माँ रहती है, हमारी दुनिया तबाह करने वो क्वीन बनती है, और वो ऐसा होने नहीं देती, वो बहुत अच्छे तरीके से सब संभाल रही होती है। लेकिन फिर बीच में एक साइंस प्रोजेक्ट की वजह से पूरी हालत खराब हो जाती है। वो आप लोग को पता चलेगा मूवी में कि एक साइंस प्रोजेक्ट की वजह से कैसे ये सब हो सकता है। शुरी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरी फिल्म में, और हम सबके चहेते आयरन मैन के जाने के बाद उनकी लीगेसी कौन आगे बढ़ाएगा ये भी एक सवाल था, और उसका भी जवाब मिल गया है। रीरी विलियम्स जो कि आयरन हार्ट कहलाती है, उसका भी अच्छी तरह से मूवी में पूरा उसको इंट्रोड्यूस किया है, और उसके भी कुछ अच्छे अच्छे सीन्स है, फाइट सीन्स है जिसमें आप सब लोगों को आयरन मैन की याद आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात मूवी की अगर है तो वो है इस मूवी का विलन। उसे मारा तो वो खून की नदियां बहाएंगे। वो आ रहा है, मतलब इस मूवी में वो विलन है, लेकिन आगे चल के ये मार्वल के जो भी हीरोज है उनका ही टीम का हिस्सा होने वाला है। उसका नाम है नामोर, और ये जिस तरह से इसे दिखाया है ना, इसका रोल बहुत सही दिखाया है, उसके एक्टिंग वगैरह जो भी जिसने भी किए हुए उसने बहुत सही तरह से ये रोल निभाया है। और ओरिजिन स्टोरी भी इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत सही हुआ है। रही बात वो विलन कैसे बनता है, तो जैसे कि मैंने कहा साइंस प्रोजेक्ट, तो फिर उसी के वजह से वकांडा और उसका जो देश रहता है उसका भी खुद का एक देश रहता है नामोर का, इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर
और ब्लैक पैंथर तो नहीं है, तो अभी ये लोग इनसे कैसे जीतेंगे? और नामोर इतना पावरफुल है कि अगर वो पानी के संपर्क में रहा ना, तो वो हल्क और थॉर को भी टक्कर दे सकता है, इतना पावरफुल है, उनके लेवल का पावरफुल, अगर वो पानी के साथ रहा तो। तो सोच सकते हो, अगर ऐसा कोई बंदा है आपके सामने और आपका किंग ही नहीं है, तो आप कैसे जीतोगे उसके सामने? बहुत बड़ा सवाल, और वो सच में बहुत डेंजरस रहता है, अकेले के दम पर पूरा वकांडा उड़ा देता है। तो वो गूज़बम्स आए थे, वो जब सीन था ना, वो जब आता है अटैक करता है तब। ओवरऑल सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, और मूवी का VFX वगैरह तो मार्वल का अच्छा ही रहता है। मूवी का स्क्रीन प्ले भी बहुत सही है, डायरेक्शन भी एकदम अच्छे से किया है। पिछले 2-3 मूवीज़ में वो जो मज़ा है मार्वल का, वो आ नहीं रहा था। नो वे होम के बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज से एक्सपेक्टेशन थी, पर वो भी एक्सपेक्टेशन पे उतर नहीं पाई। और थॉर तो पूरा मजाक बन गया है, कुछ उसमें तो मतलब कुछ था ही नहीं कि भाई उसकी तारीफ करे ऐसा। और फिर अभी इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, और सब लोगों को ये भी देखना था कि अभी ब्लैक पैंथर कौन बनेगा नेक्स्ट। और बहुत सही से दिखाया, मतलब अगर कोई और वो रोल लेता ब्लैक पैंथर का, तो शायद जस्टिफाइड नहीं लगता आप लोगों को, क्योंकि जैसे कि आयरन मैन का रोल हम लोग कह सकते कि नेक्स्ट आयरन मैन कोई बनेगा ही नहीं, सबका चाहते थे आयरन मैन, तो वैसे ही ब्लैक पैंथर भी बहुत लोगों के फेवरेट थे, और फिर उनकी जगह कोई लेगा ऐसा सब लोग नहीं चाहते कि उनकी कोई जगह ले, लेकिन जो भी दिखाया है एंड में कि कौन बन सकता है अगला ब्लैक पैंथर, वो बहुत सही है। और आप लोग भी चाहोगे कि यार सच में जो भी वो है वो ब्लैक पैंथर बने। इसमें कॉमेडी है, इसमें दुख है, इसमें एक्शन है, उन्हें दिखा देंगे। कैरेक्टर्स जो भी हैं उनकी एक्टिंग भी बहुत सही है, डायरेक्शन बहुत सही है, स्टोरी जो भी जाती है पूरी 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है लगभग, और बहुत सही से जाती है। आप लोग को बीच में ज़रा सा भी बोर फील नहीं होता, तो मैं ज़रूर आप लोग को इतना कहूँगा कि जाके एक बार ये मूवी थिएटर्स में देखिए। तो बस फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यार आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है मुझे। तो बस धन्यवाद, जय हिंद।